हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ए लाइन कुर्ती कटिंग करना बता रहा हूँ। घेरदार कुर्ती जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है फैब्रिक 2.5 मीटर 2.5 मीटर और इस कपड़े का विड्थ है, इस कपड़े का घेर है 21 इंच, यानी कि ये 42 का पन्ना है, 42 का विड्थ। ये इसका अरज है और इसका ओपन साइड मैंने इस तरफ रखा है। बैक और फ्रंट दोनों हम एक साथ कट करेंगे, तो ऐसे मैंने डबल में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लिया है। आप इसको 4 लेयर में भी रख सकते हो, मैंने डबल में ही ऐसे रखा है, एक के ऊपर एक। कुर्ती का लेंथ है 44 इंच, इसमें 2 इंच प्लस करके 46 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितना भी कुर्ती का लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे कुर्ती का लेंथ है 44, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे नीचे और ऊपर सिलाई का मार्जिन, तो 44 और 2 46 इंच। ये है लंबाई लेंथ का मार्क। चेस्ट 37 है 37 इंच, आर्म होल डाउन करेंगे 6.5 इंच, यहाँ से वेस्ट डाउन करेंगे 14.5 इंच पे 14.5 इंच, हिप डाउन करना है 20 इंच या फिर 21 इंच, लेकिन ये ए लाइन कुर्ती है तो यहाँ हम हिप डाउन नहीं करेंगे, यानी हिप का मार्क नहीं लगाना है। तो ये है हमारा लंबाई का मार्क और ये आर्म होल डाउन और ये वेस्ट डाउन यानी कमर सेंटर, बस इतना ही मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहां से हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर है 13.5 इंच, 13.5 का हाफ करेंगे 7.25 इंच और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 7.25 इंच। अब ये टोटल 7.25 है तो यहां भी 7.25 लगा लेंगे स्ट्रेट करने के लिए। अब यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा लगाना है, चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है। सीना 37 है, चौथा हिस्सा 7.25 इंच और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से इसमें गुलाई देंगे। ये मार्क हमारा हो गया बैक के लिए, इस मार्क पे बैक कटिंग होगा। फ्रंट कट करने के लिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं और यहाँ से 1/2 इंच अंदर शेप करना है ऐसे। ये हमारा बैक का मार्क है और ये नीचे वाला फ्रंट का मार्क है। यहाँ से वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, कमर का चौथा हिस्सा करेंगे, कमर 34 है, चौथा हिस्सा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ जो हमने लास्ट पे मार्क लगाया है, जो मार्जिन है हमारा सबसे लास्ट वाला मार्क, उसको ऐसे मार्क लगाना है और यहाँ नीचे से 3 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और अब यहाँ से और यहाँ इसमें ऐसे मिला देना है। यहाँ से नेक विड्थ, गले का चौड़ाई 3 इंच यहाँ इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे इसी मार्क पे और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें हम स्लीव बाजू का कटिंग करेंगे। अब ये जो पीस है इसको ऐसे पलट लेना है
अब यहाँ जो सिलाई का मार्जिन जाएगा उतना मार्जिन ऐसे रखकर आप इसके ऊपर रख सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं बराबर करके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से शेप में इसमें ऐसे मिलाना है। तो बैक हमने रख दिया है और ये जो हमारा फ्रंट का मार्क है जो आधा इंच हमने अंदर मार्क किया है, अब इस वाले मार्क पे कट करना है। ये जब स्टिच होगा, जब सिलाई होगा, तो ये ऐसे रेडी आएगा। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे, बाजू का कटिंग। तो ऐसे फोल्ड कर लेना है इसको। जो फोल्ड करना है आर्म होल का हाफ कीजिए और इसमें 2 इंच प्लस करके ऐसे फोल्ड कर लीजिए। स्लीव का लंबाई है 10 इंच और 1 इंच मार्जिन प्लस करके 11 इंच पे मार्क लगाएंगे। जितना भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। आर्म होल डाउन करेंगे 3 इंच। यहाँ भी एक सेम मार्क लगा लेते हैं स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ से आर्म होल का हाफ लगाना है। आर्म होल है 13.5, 13.5 का आधा करेंगे 7.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। बॉटम का गोलाई है 11 इंच, आधा करेंगे 5.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। यहां से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे 3 इंच। यहाँ से शेप में आधा इंच कट करके निकाल देना है। ये फ्रंट साइड है, सामने का साइड शेप में आधा इंच ऐसे कट कर देना है। एक यहाँ नोच लगा देंगे, ये फ्रंट साइड है। ये जो हमने आधा इंच कट करके निकाला है ये सामने का साइड है, फ्रंट साइड। जब हम इसको अटैच करेंगे तो फ्रंट में अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। 6 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ हम लगाएंगे 6 इंच मार्क लगाकर इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम इसमें स्टिच करेंगे, छोटा छोटा प्लीट आएगा ऐसे। और ये जो कपड़ा बचा है इस कपड़े में हम गला बनाएंगे। तो गला हम बकरम में बनाएंगे। ये 9 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई है, यानी कि 9x9 का है। इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है।
ये मैं पेपर पेस्टिंग यूज कर रहा हूँ। गले का चौड़ाई 3 इंच और ये फ्रंट है तो फ्रंट का गला है 5 इंच और आधा इंच मार्जिन 5.5 इंच। गले का शेप हम गोल रख रहे हैं तो इसको हम गोलाई कर देंगे। और यहां से 1/4 इंच 3/4 मार्जिन रखकर इसको कट करना है। ये ऐसे आएगा, ये हमारा फ्रंट का गला है। अब हम बैक का गला कट करेंगे, इसको डबल में ऐसे फोल्ड करेंगे। गले का चौड़ाई 3 इंच, बैक का गला है 3 इंच और आधा इंच मार्जिन 3.5 इंच। ये हमारा बैक का गला कट चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस कुर्ती का स्टिचिंग करना, सिलाई करना बताऊंगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।